उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के दम पर बनी योगी सरकार गोकशी रोकने को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जनपद पीलीभीत में गोकशी रुकने का नाम नहीं ले रही। पीलीभीत के गुरेड़िया भंडारा में बीती 22 जुलाई को शफीक अहमद नाम के व्यक्ति के मकान में बेखौफ गो हत्यारों ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शफीक अहमद नाम के व्यक्ति के घर से 50 किलो गोमांस और अवशेष बरामद किए हैं, लेकिन बेखौफ गो हत्यारे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। राम सिंह चौहान, जिला गोसेवा प्रमुख। किन समस्याओं को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं? जो आए दिन जो गोहत्याएं हो रही है जिले में, इसी संबंध में क्या मामला क्या है? मामला ये है कि अभी कुछ दिनों से जो है कहीं इधर ये गौनिया में, कहीं ये धगिया में, इस तरह से कई गोहत्याएं हुई हैं। इसी के क्रम में अभी जो है पिछले कई महीनों में 2-3 घटनाएँ जो है गुरुड़िया भंडारा जो हमारी नगर पंचायत है मझोला की, इसमें भी अभी एक गोहत्या हुई, पहले भी हुई, अभी 21 तारीख में 20 में हुई, किस दिन? सोमवार के दिन जो हिंदुओं का पहला सोमवार था, जो कि हिंदू बड़े आस्था किसे मनाता है अपना, उसी दिन जो है हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की नीयत से इन लोगों ने ऐसा जो गंदा काम किया, जो हत्या की है, इससे हम लोगों की, सभी लोगों की भावना को ठेस पहुँची है। और उसमें भी अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए हम लोग आज जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो है इन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो नियम जो किए हैं वो केवल मात्र 2 ही लोग किए हैं, और गाय को एक या आदमी नहीं काट सकता, इसलिए उसमें जो है ज़रूर 4 से 5 लोग संलिप्त हैं। तो हमारी मांग है कि उसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं सबके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोग जो है उसमें जेल जाना चाहिए। कुशीनगर के कटवा गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शामली के कांधा थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली सहित कई गांव के ग्रामीणों से लोन दिलाने के नाम पर एक युवक ने लाखों रुपए ठग लिए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की मदद से आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पीड़ित ग्रामीणों ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कामिल है जी। अच्छा, आप दर्जनों महिला पुरुष साथ आने हमारे, क्या पूरा मामला है जी? मामला तो यो है जी, उन्हें क्या था लोन कटवामा था री। अच्छा। तो फिर जो तो आगे 1,20,000 की कटवामा, तो जो तीसरे दिन आवा था रे पे ले था जी। कितने पैसे लेकर जा रहा तो सारे 1,20,000 जा लीजिए मेरे पास। तो कितने लोगों पर थे? 11 है जी, 11 जने। अब आप क्या चाहते हो? आज फिर रात आई किसे लेन, तो फिर आज हमें सोचा रमक एक दो की और खरीदे भाई, अगर भाई जो उनसे क्या भीड़ नहीं उसकी भी लोन कर दूँ, और भाई फिर खाते के ही आ जाए तो घरों ही पे ये जी हमें प्रधान में कर दिया फोन पकड़ के प्रधान जी, हम तो पकड़वाओगे ना जी। मतलब पैसे 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 जिसके हैं जी, काफी है जी, सैकड़ों नाम है जी। सर, ये जो कांदला क्षेत्र के खंद्रावली गांव के आसपास जो ट्रक गिरफ्तार किया गया है, ये क्या मामला है? इसमें एक खंद्रावली थाना खंद्रा के अंतर्गत एक पता लगा कि ये युवक जो है आसपास के गांव में घूम घूम के 1,20,000 रुपये लोन दिलाने नाम पे इनसे पैसा लेना था और 40 दिन में लोन करा लेंगे, और जब ये पहली किस्त लेकर चला गया उसके बाद उसने लोन नहीं कराया और उसमें कोई प्रक्रिया पूरी नहीं कराई, तब गाँव में सत्य है जब बड़ा आया, तो उस पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया और उसके संकट धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और संबंधित युवक को केस भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब तक बात की गई तो मालूम चला कि वो इस तरह के काम कर अपने आस पास के गाँव में भी करता रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि वो इससे पहले भी 2 महीने पहले उसी गांव से ठगी करके गया है। इसमें जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि ये 1,20,000 रुपये लोन सेंक्शन कराने और 40 दिन के अंदर कराने का इसने वादा करते हुए कुछ गांव वालों से इसने पैसा लिया था 340 रुपये सेंक्शन कराने के एवज में, और सेंक्शन नहीं करा पाया, पुनः वह युवक जो है अन्य लोगों से भी इसी तरह की बात करने लगा, तो गाँव वालों को शक हुआ, शक होने पर उन्होंने उसे स्थानीय
बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत पांधी का निवार में मनरेगा योजना में जेसीबी चलाने और ग्राम पंचायत के अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। कुछ नहीं, अभी भी मौका मिला ना जैसे भी द्वारा काम किया हो साबित हो रहा है।